जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। किसान हितैषी काम करने के दावों के बीच खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 में हरियाणा सरकार ने धान की खरीद घटा दी है। सीजन 2020-21 में यहां 56.55 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया था, जबकि इस बार यह सिर्फ 55.30 लाख मैट्रिक टन ही रह गई है। इसकी वजह से एमएसपी पर धान बेचने वालों किसानों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में 15 नवंबर को खरीद प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। भारतीय खाद्य निगम FCI के मुताबिक इस बार पिछले कई साल में सबसे कम धान की खरीद की गई है। साल 2019-20 में 64.29 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया था, जबकि 2018-19 में 58.83 लाख टन की खरीद हुई थी, जबकि 2017-18 में MSP पर 59.58 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। FCI से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में MSP पर धान बेचने वालों की संख्या घट रही है, यानी धान उत्पादक किसानों को MSP नहीं मिल पा रहा है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2017-18 में प्रदेश के 6,81,994 किसानों ने MSP पर धान बेचा था, जबकि 2018-19 में 8,30,792 किसान लाभान्वित हुए थे। इसी तरह से साल 2020-21 में 5,49,466 किसानों को लाभ मिला, लेकिन 2021-22 में महज 2,99,777 किसानों को ही इसका फायदा पहुंचा। ऐसा तब हो रहा है जब हरियाणा के CM खुद किसान को बताते हैं। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव ने 11 नवंबर को आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने समय से पहले ही खरीद बंद कर दी है। इस साल का टारगेट 60 लाख मैट्रिक खरीद करने का रखा था, लेकिन इससे पूरा नहीं किया गया। मुख्य महासचिव ने कहा था कि सरकार ने पहले ही धान की सरकारी खरीद काफी देर से शुरू की थी, जिसके कारण किसानों को उसे सस्ते में बेचना पड़ा था। किसान नेता यूं ही आशंका जाहिर नहीं कर रहे हैं कि कुछ सूबों में धीरे धीरे MSP पर खरीद घट जाएगी। हरियाणा सरकार गैर बासमती धान की खेती को हतोत्साहित कर रही है, क्योंकि यहाँ कई क्षेत्रों में पानी पाताल में जा रहा है। धान ज्यादा पानी खपत वाली फसल है, ऐसे में जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरा विरासत नामक योजना बनाकर सरकार धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से प्रदेश के किसानों ने 96,000 एकड़ में धान की खेती छोड़ दी है। ऐसे में कुछ लोगों को अनुमान है कि उत्पादन कम हुआ है, जिससे धान बेचने वाले किसान भी कम हो पाए। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।